वेलकम बैक टू रोड्स एंड रंबल गाइस, मेरा नाम है निशित। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 6 के स्कोडा ब्राइट एक्सपीरियंस सेंटर में और आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कार का रिव्यू जिसको स्कोडा ने 1935 में लॉन्च किया और उसके बाद ये कार लगातार सड़कों पर दौड़ रही है। तो आइए हम चलते हैं ब्राइट स्कोडा के एक्सपीरियंस सेंटर को एक्सपीरियंस करने। हम आ चुके हैं कार के सामने। तो ये है स्कोडा रैपिड 2020 का टॉप एंड वेरिएंट। कंपनी ने इसका नाम रखा है स्कोडा रैपिड स्टाइल। कार के लुक्स की अगर बात करें तो दिखने में काफ़ी डायनेमिक लग रही है, काफ़ी स्पोर्टियर लग रही है पुरानी स्कोडा रैपिड से। साथ ही साथ कार के फ्रंट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्कोडा के ही बटरफ्लाई सिग्नेचर ग्रिल विद क्रोम। क्रोम का जो है इस्तेमाल अच्छा खासा यहाँ पे किया गया है, दिखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। साथ में यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो भी देखने को मिलेगा। अगर हम लाइट्स की बात करें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ एक DRLs का भी इस्तेमाल किया गया है, दिखने में जो काफ़ी शार्प लग रहा है। पर्सनली मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा। साथ में यहाँ पे आपको मिलेंगे फॉग लाइट, आपको मिलेगी रेक्टेंगुलर साइज की है, ये दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके साथ ही नीचे भी आपको ग्रिल मिलेगा। ग्रिल जो है ये मेरे को तो बेंजीन रिंग की तरह लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ भी जो है ये कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन दी गई है, दिखने में काफ़ी सामने से तो कार मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है। कार का जो कलर है वो है कार्बन स्टील। और अगर साइड के लुक की कार की बात करें तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इन 16 इंचज के अलॉय व्हील पे। मल्टी स्पोक्स अलॉय व्हील जो है वो कार में यूज़ किए गए हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं दिखने में। MRF का टायर है यहाँ पर, लेकिन लॉज के हिसाब से आपको टायर भी प्रोवाइड करेंगे। चारों टायर जो है कंपनी की तरफ से ट्यूबलेस दिए जा रहे हैं। और अगर आगे की तरफ चलते हैं कंपनी में, यहाँ पर आपको मिलता है ऑक्सीजन मिरर जो कि यहाँ पे इसमें इंडिकेटर का यूज़ किया गया है। जब आप राइट या लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये चलेगा आपको। साथ में अगर आगे चलें थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर के ही आपको डोर हैंडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफ़ी शानदार लग रहे हैं, काफ़ी छोटे से हैं साइज में लेकिन बहुत परफेक्टली इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पियानो फ्रिज देखने को मिलेगा, काफ़ी शानदार लग रहा है। दूसरी तरफ भी पियानो फ्रिज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है बैक डोर है कार का, यहाँ पे आपको सेम हैंडल देखने को मिलेंगे, काफ़ी शानदार लग रहे हैं। फ्यूल टैंक का ये गेट है, इसमें आपको मिलेगा 55 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि काफ़ी अच्छा खासा है सेडान को देखते हुए। साइड की बात करें तो यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, पूरी जो स्ट्रिप है फ्रंट डोर बैक डोर दोनों को कवर करिए, बहुत शानदार लग रही है। इसके बहुत ही हाई मटेरियल क्रोम है, ये दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। कार के पीछे की तरफ आ चुके हैं, पीछे जो है आपको यहाँ पे रैपिड की बैजिंग मिलेगी, लोगो मिलेगा एक रैपिड का, साथ में स्कोडा का एक जो सिग्नेचर लोगो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ब्राइट स्कोडा एक्सपीरियंस सेंटर जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कोडा का लोगो आपको मिलेगा। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा भी इसमें दिया गया है क्योंकि कंपनी का टॉप एंड वेरियंट है। इसमें
पार्किंग कैमरे का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ नीचे की तरफ बात करें तो क्रोम का इस्तेमाल जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। कार के बूट स्पेस की बात करें तो कम्बिनेशन 460 लीटर का बूट स्पेस दिया, तो अच्छा खासा एक सेडान को देखते हुए एक अच्छा खासा बूट स्पेस है। और इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे स्टेपनी मिल जाएगी एक्स्ट्रा, इसमें अलॉय व्हील नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे फर्स्ट एड बॉक्स आप देख सकते हैं ये मिल जाएगा आपको, टूल किट आपको जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो ये भी कहानी कुछ इसके बूट की, एक अच्छा खासा बूट पे जो है स्कोडा रैपिड में दिया गया है। अब हम आ चुके हैं कार के अंदर और अब बताएंगे आपको इस कार के इंटीरियर के बारे में। ये मैंने कहा बहुत ही प्रीमियम फील जो है ये दे रहा है साउंड में, और साउंड से ही पता लग जाता है कि कार कितनी प्रीमियम होगी। कार के अंदर की कहानी ये है, सबसे पहले आपको बताऊं कि ब्लैक एंड बेज इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे शेयरिंग की, बहुत ही शानदार शेयरिंग दिया गया है स्कोडा की तरफ से। क्रोम का इस्तेमाल बखूबी बहुत शार्प तरीके से यहाँ पे किया गया है स्कोडा का, ये आपको यहाँ पे दोबारा यहाँ से लोगों को मिलेगा। सारे कंट्रोल जो हैं ऑडियो के ये आपको इसके शेयरिंग पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा शेयरिंग मेरे को तो ये लग रहा है। कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको एक स्क्रीन देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार लग रही है दिखने में। और यहाँ जब मैंने इसको बैक गेट डाला तो रियर कैमरा जो है कार का वो जो है वो ऑन होता है इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे अलर्ट ये आपको यहाँ पे बताता रहेगा कि कार जब आप अपनी पार्क कर रहे हैं तो कितना स्पेस है पीछे। चलिए इसको वापस बंद कर देते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका प्यारा हेडफोन जैक मिल जाएगा, USB का एक पोर्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जगह शायद SD कार्ड के लिए है। ओडोमीटर यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिया गया है, यहाँ पे ट्रिप को आप देख सकते हैं। इसमें स्पीड जो है आपकी वो यहाँ पे आपको सामने डिस्प्ले होगी, साथ ही साथ आप इसको ट्रिप को यहाँ पे नीचे दो बटन दिए गए हैं इससे मैनेज कर सकते हैं। कंपनी क्लेम कर रही है कि कार की टॉप स्पीड जो है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कार का एक गेट खोला हुआ है, तो ये जो है इंडिकेशन ये भी आपको इस ओडोमीटर पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करें इसके बगल में यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं, AC वेंट्स में भी क्रोम का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ब्लोरिंग की स्पीड जो है यहाँ पे इसको मैनेज हम कर सकते हैं आगे पीछे। साथ ही साथ इसके बगल में और इसके साइड में लाइटों को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स को कंट्रोल करने के ऑप्शन ही यहाँ पे दिए गए हैं। स्कोडा रैपिड के ग्लोव बॉक्स की बात करें तो एक अच्छा खासा स्पेस वाला ग्लोव बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं इसको। काफ़ी फाइल्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, कुछ ज़रूरी सामान जो अपनी कार में इसको रख सकते हैं। ये है हमारा राज दुलारा प्यारा गियर लीवर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 कप होल्डर, अच्छा खासा स्पेस है ये भी। साथ ही साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिलता है। कार के सीट्स की बात करें तो यहाँ पर सीट बेज कलर में आपको देखने को मिलेंगे इसके टॉप एरिया में, साथ ही साथ बकेट सीट लगाई गई है। काफ़ी अच्छा ही हाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से इसको सीट पर एडजस्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही आरामदेह ये सीट मुझे लग रही है। साथ ही साथ हम अगर अंदर और बात करें तो हैंडल्स यहाँ पर दिया गया है लेदर फिनिश के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी देखने में। तो आ चुके हैं कार की पिछली सीट पे, तो पिछली सीट की कहानी कुछ इस तरह की है। आई एम अ शॉर्ट गाय, मैंने सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट की है। और पीछे की बात करें मुझे नी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, हाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, साथ ही साथ हैंडल जो है वो भी इस कार में अच्छा खासा दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा हैंडरेस्ट और आप जो है आराम से पीछे बैठ के ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। कार के रियर है AC वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं, क्रोम का इस्तेमाल दिया गया है, एक कप होल्डर यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिया गया है। ड्रिंक आप कुछ भी पी रहे हैं उसका ग्लास यहाँ पर रख सकते हैं। और साथ ही साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। साइड की बात करें तो क्रोम का एक यहाँ पर यूज़ किया गया है, हैंडल अच्छा खासा है, विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं, बटन भी साथ में दिया गया है। एक सेंटर लाइट यहाँ पे कंपनी की तरफ से दी गई है, दोनों को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यह है कार का इंजन, कंपनी ने भारतीय बाज़ार में इसको 1.0 ESI इंजन के साथ उतारा है, जो देता है इसको 108 BHP का पावर और 175 Nm का टॉर्क। कंपनी साथ ही साथ ये भी क्लेम कर रही है कि इस कार का एवरेज लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर रह सकता है। भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 11.5 लाख रुपए रखी गई है। इसके राइवल्स की बात करें तो Hyundai Verna और Honda City से इस कार का सीधा मुकाबला होगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नए व्हीकल के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो आइए ले चलते हैं आपको ब्राइट स्कोडा के सेल्स वीपी मिस्टर जसपाल के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। What is the concept? मतलब concept क्या है तो experience center? Experience center का concept basically customer को एक experience देना different premium cars है, premium customer है, so premium जगह भी obviously होनी चाहिए। और जहाँ तक ये सवाल है कि दूसरे showroom से ये different कैसे है, so yes बाकी के showroom भी state of the art है, but ये Skoda India का first concept था जिसको उन्होंने physically इम्प्लीमेंट किया ब्राइट स्कोडा के साथ। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपका कोई और डीलरशिप भी है? नहीं, एज ऑफ नाउ वी आर द डीलर ऑफ स्कोडा ओनली एंड वी हैव टू आउटलेट्स। एक एक्सपीरियंस सेंटर है G43 सेक्टर 6 में और सेकेंड है गार्डन्स गैलेरिया मॉल सेक्टर 38 नोएडा। यस, सो वी हैव टू आउटलेट्स एज ऑफ नाउ। तो एज वी ऑल नो के अभी COVID-19 चल रहा है, उसके चक्कर में ऑटोमोबाइल सेक्टर इज लाइक इट हैज लाइक रियली हिट हार्ड। तो किस तरह से मतलब आप ओवरकम करने का सोच रहे हैं? सबसे पहले तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट लॉज हमने अपनी फैसिलिटी को 100% सैनिटाइज किया है और जैसा कि इंस्ट्रक्शंस आई थी उसके अकॉर्डिंगली। प्लस वी आर ट्राइंग कि कस्टमर को कॉन्टैक्टलेस जो है डेमो दिया जाए। उसके लिए हमें ब्रांड की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो मिली है कि आप घर बैठे ही वर्चुअल डेमो के थ्रू गाड़ी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द फैसिलिटी। कोई आना चाहता है तो वी आर सैनिटाइज, वी आर ऑफरिंग मास्क टू द कस्टमर व्होएवर इज नॉट वेयरिंग द मास्क और सैनिटाइजेशन इज देयर, सो एवरीथिंग इज एज पर द ब्रांड्स गाइडलाइन। Yes. तो और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स स्कोडा के? As of now तो this is a question I think which brand knows better. Right. We are here तो हम अपना best कर रहे हैं। बिल्कुल। Customers के पास जो test drive के लिए cars भी जाती हैं, the cars are also sanitized after every test drive। और customer को हम ये चीज दिखाते भी हैं कि सर आप चेक करिए जितने भी गाड़ी के टच पॉइंट्स हैं, हम लोग उन सारे टच पॉइंट्स को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही कस्टमर को हम लोग टेस्ट ड्राइव ऑफर करते हैं। दैट्स रियली रियली ग्रेट। रोड्स एंड रंबल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नया चैनल है, यंग लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेस इसके साथ हैं। दूसरी चीज, कंपनी की सपोर्ट के साथ जो भी गाइडलाइंस के साथ आप लोग हमारे पास जब चाहें अगर वीडियो शूट कर सकते हैं। डेफिनेटली। एंड वी आर देयर फॉर यू, नो इश्यूज। थैंक यू एज पर द गाइडलाइंस, वी विल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक्स।